दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सरकाघाट के बाजार अभी भी सूने हैं, जबकि दो सप्ताह पहले खुले सीएसडी कैंटीन व कुनालग में चल रहे ईसीएचएस में तमाम प्रयासों के बाद पूर्व सैनिकों की भीड़ काबू में नहीं हो पा रही है। पूर्व सैनिक भूखे पेट सुबह 4 बजे ही कैंटीन के बाहर जुट रहे हैं। उधर सीएसडी कैंटीन के प्रबंधक कैप्टन जगत राम ठाकुर ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ स्कीम के आधार पर टोकन के माध्यम से सामान वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक अपने नंबर पर ही आए और सामान ले जाएं, वे खुद भी परेशान ना हो और दूसरों को भी परेशान ना करें। हाँ, ये अभी जो हमारा ईसीएचएस में है अपॉइंटमेंट सिस्टम हम शुरू कर रहे हैं। पहले अपॉइंटमेंट देंगे लोगों को और अपॉइंटमेंट के हिसाब से वो आएंगे, क्योंकि ये नया सिस्टम है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको महीना भर लगेगा, पर हो जाएगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो ऊपर जो आज हाल है सर, इसके लिए आप इस सोशल डिस्टेंसिंग तो लोग इतने हैं, मेरे पास वर्कर है नहीं, हम पुलिस वाले को बताएंगे, पुलिस वाला आ जाएगा, इंश्योर इट, अदरवाइज डिफिकल्ट बाजार में इतना बहुत जरूरी, बहुत दूर तक फैल जाएगा। चलो ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जनाब, आज यहाँ कंटीन में सामान आया हुआ है दोबारा, लेकिन जो लोग यहाँ पे अव्यवस्थित ढंग से खड़े हुए हैं, अगर इसी अव्यवस्था में रहे तो हम लोग कंटीन हमें मजबूरन बंद करना पड़ेगी। हम कम से कम भी 250 आदमी को सामान देंगे, अपना टोकन लें और टोकन लेने के पश्चात आप अपने साइड में चले जाएँ और जब नंबर आता जाए और अपना सामान लेते जाएँ। हम पूरी मदद करेंगे कि सबको सामान मिल सके। कैंटीन को सैनिटाइज वगैरह सब कुछ हो रहा है लिए। और जो थर्मल स्कैनिंग वगैरह का, हाँ वो तो सामने आपके हो ही रही है, ऊपर लगो बंदा लगा हुआ है स्कैनिंग के लिए, थर्मल स्कैनिंग भी हो रही है। और ये जो इस तरह खड़े वो लोग हैं, इनको अब इनको पुलिस बुलाते हैं, हम करते हैं इनको ज्यादा साइड में, या तो कंटेन बंद कर देंगे। माता शीतला के जन्म उत्सव पर मैं पूरे इलाके को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मैं माता जी से ये कामना करता हूं कि माता, ये जो महामारी कोरोना जो आज पूरे वर्ल्ड में पूरे संसार में फैली है, इससे सभी को राहत दे और जो भी लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनको जल्दी से जल्दी माँ उनके ऊपर कृपा करें, और हमारा जो इलाका है इस इलाके में माता सभी के ऊपर अपनी मेहर बना करके रखें। मैं सुमन कुमार ठाकुर, मुख्य प्रारूपकार NH निगम बिहार शिमला, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग शिमला। धैर्य श्री शीतला माता के जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त जिलावासी को अपनी ओर से हार्दिक व शुभकामनाएँ देता हूँ। श्री शीतला माता की समस्त सुरक्षा की कामना करता हूँ। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर वर्ष इसी महीने इसी तारीख को जिला स्तरीय मेले का आयोजन 3 दिन का होता है, लेकिन महामारी के चलते आज यह निर्णय लिया गया कि मेले को रद्द कर दिया जाए। मेले को रद्द करने के उपरांत आज हमने माता शीतला के चरणों में सूक्ष्म सामग्री पुजारियों के माध्यम से आज हमने भेंट की, और इसके साथ में माता शीतला से यही कामना करता हूँ कि आने वाला समय हम सभी के लिए कुशल मंगल हो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं सत्यप्रकाश शर्मा, अध्यक्ष दिव्य माधव ज्योति अनाथालय ट्रस्ट गहर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी भाई बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि कृपया जो कोरोना महामारी है इसके लिए जो भी सुझाव दिए जाते हैं उन्हें अपनाइए, प्रॉपर डिस्टेंस रखिए, घर से बाहर कम से कम निकलें, जिस तरह से सरकार आज्ञा देती है उनका पालन कीजिए और घर में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे। यदि आप बाहर निकलते हैं तो इसमें हानि आपको, आपके परिवार को ही है और साथ में देश को है। कृपया स्वयं भी बचें और सभी को बचाएं, यही मेरी आप सभी बंधुओं से निवेदन है, अपील है, प्रार्थना है। धन्यवाद। मैं सीताराम बंसल, प्रधानाचार्य राजकीय आदर्श विद्यालय डहर, सर्व जनमानस को संदेश देता हूं कि जिस तरह से पूरे विश्व स्तर पर जो कोरोना महामारी का जो एक प्रकोप चल रहा है, इस समय में हमें जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग
सैनिटाइजेशन और मास्क का जो प्रयोग और लॉकडाउन का सही ढंग से प्रयोग कर जो है इस महामारी से जो है अपने आप को बचाएं और सारे जनमानस को, समाज को भी इससे बचाएं। मेरा सभी से कहना है कि आज के इस युग में जान है तो जहान है। अगर हम कहीं किसी तरह की चूक करते हैं तो स्वयं को तो नुकसान करते हैं, उससे हम समाज में अन्य लोगों को भी उसका उससे जो है वो प्रभावित करते हैं या उनको नुकसान करते हैं। तो मेरा सभी से कहना है कि सभी लॉकडाउन का सही अनुपालना करें और इस दौरान जो जिस तरह के हम घर पर रहकर जितना भी हो सके अपने आप को स्वच्छ रखें और हर तरह से अपने आप को जो है अपने जो रोग से मुक्त होने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने का जो है प्रयास करें। धन्यवाद।